किस टाइप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में अपन देखेंगे आरएसएम एसएसबी द्वारा जो एलडीसी का टाइपिंग टेस्ट का एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें पैराग्राफ किस टाइप से आएगा, पैराग्राफ में जो लैंग्वेज होगी वो आपकी ईजी होगी या फिर डिफ़िकल्ट होगी। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल सहित बताऊँगा जो अब तक एक आपको पता है आरएसएम एसएसबी ने सूचना सहायक का एग्ज़ाम लिया है और जहाँ पर मेरे को एक स्टूडेंट ने उनकी रेस्पॉन्स शीट भेजी है, मतलब उनके किस टाइप से टाइपिंग टेस्ट आया है, तो यहाँ पे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ, जहाँ पर मैं विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम के क्रैश कोर्स अवेलेबल कराता हूँ। और अभी मैंने वहाँ पर रेलवे ग्रुप डी स्पेशल सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक कवर कराए हैं, जहाँ से आपके प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और वहाँ पर मेरा नाम जसराज चौधरी सर्च करके प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए और जो भी वीडियो है आप वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हो। इसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो, यह है आपके जो आईए यानी जो सूचना सहायक का पेपर हुआ था आपके 5 अक्टूबर 2018 को। एक स्टूडेंट ने मेरे को रेस्पॉन्स शीट भेजी है जो उन्होंने टाइपिंग की है और वो आपके टाइपिंग होने के कुछ दिन बाद है वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, जहाँ पे बताया गया है कि आपकी टाइपिंग है, आपने किस टाइप से टाइप की है, कितने वर्ड टाइप की हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, जहाँ पे अलग अलग पैराग्राफ हैं। और दोस्तों यहाँ पे बात करें आपके आईए यानी जो इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट यानी सूचना सहायक का पेपर था, उसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई पर्पज़ हेतु टाइपिंग ली गई थी, मतलब आपको 15 मिनट में 20 वर्ड प्रति मिनट की दर से टाइपिंग करनी थी। यदि आप 20 वर्ड प्रति मिनट की दर से टाइपिंग कर जाते हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस टाइप से पैराग्राफ आया है और मैं आपको बता दूं जो आपके पैराग्राफ आएगा वो आपके लाइन वाइज आएगा, मतलब एक लाइन यदि आप पूरी टाइप कर जाते हो उसके बाद एंटर की प्रेस करने के बाद आपके सामने दूसरी लाइन है वो अपीयर होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्टूडेंट है इनका नाम और रोल नंबर मैंने हाइड किया है प्राइवेसी के लिए, और जो नेम ऑफ वेन्यू आप देख सकते हो एग्ज़ाम डेट है 5 अक्टूबर 2018 2:30 में ये एग्ज़ाम हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने किस टाइप से कितने वर्ड टाइप किए हैं 15 मिनट में। ध्वनि में ये अद्भुत गुण है कि एक क्षण में ही वो आपको, आप यहाँ पे चेक कीजिए लैंग्वेज किस टाइप से आ रही है, मतलब कैसे वर्ड पूछे जा रहे हैं, वर्ड इजी है या फिर डिफ़िकल्ट वर्ड है टाइप करने में आपको। तो आप देख सकते हो ध्वनि में ये अद्भुत गुण है कि एक क्षण में ही वो आपको किसी दूसरे समय संदर्भ में पहुँचा सकती है। यहाँ पर आपको बहुत से वर्ड हैं वो गलत दिखेंगे जो कि उन्होंने गलत टाइप किए हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो सुबह 4 बजे उठते हैं 5 बजे तक तैयार हो लेत, यहाँ पे हो लेत, यहाँ पे इन्होंने लेत गलत लिखा है, और फिर लोधी गार्डन पहुंचकर मकबरों और मैम साहब की सहाबत में लंबी सैर पर निकल जाते हैं। मैं आमतौर पर सूर्यों के साथ उठता हूँ, अपनी चाय खुद बनाता हूँ और फिर चाय और अखबार लेकर लंबी अलसाही सुबह का आनंद लेता हूँ। अक्सर अखबार की खतरा पर मेरा कोई ध्यान नहीं रहता है, ये तो सिर्फ दिमाग को कट्टी पतंग की तरह या ही हवा, यहाँ पे हवा में देखना, हवा लिख दिया इन्होंने, तैरने देने का एक बहाना है। दरअसल इसे कट्टी पतंग योग भी कहा जा सकता है। इसे मैं अपने लिए काफ़ी ऊर्जादायी पाता हूँ और मेरा दृढ़ विश्वास है कि यहाँ पे ये इन्होंने गलत टाइप किया, पता नहीं क्या है, इससे मुझे एक और दिन के लिए दुनिया का सामना करने में मदद मिलती है। इस टाइप से आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके किस टाइप से आपका पूरा पैराग्राफ है वो पूछा गया है और इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी इसकी जो पीडीएफ फाइल है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो। ये जो पूरा पैराग्राफ है इन्होंने टाइप किया है और अगरतला के बाद इनके 15 मिनट है वो ख़त्म हो गए थे, तो लास्ट वर्ड इन्होंने ये टाइप किया है। अब देख लेते हैं आपके इंग्लिश में किस टाइप से पैराग्राफ आया है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपके इंग्लिश का है जो कि 15 मिनट का था। तो आई विल बिगिन विथ ब्रूनो माई वाइफ्स पेट स्लॉथ, यहाँ पे कुछ वर्ड गलत भी हो सकते हैं। बियर आई गॉट हिम फॉर हर बाई एशियन 2 years ago वी वर पासिंग थ्रू, देखिए यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दिया है HTE, यहाँ पे क्या होना चाहिए पता नहीं। थ्रू ही सुग्रिकेन फील्ड्स नियर मैश्योर पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम थ, यहाँ पे कुछ वर्ड आपको गलत देखने को मिलेंगे, जो वर्ड इन्होंने गलत टाइप किए हैं वो उसके टाइपिंग में काउंट नहीं होंगे। तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पूरी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो किस टाइप से वर्ड है वो
आपके यहाँ पे देखने को मिले हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपके लिए कुछ भी थोड़ा सा भी लाभदायक साबित हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल के नीचे लाल आइकन वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर देना, पास के बेल आइकन को जरूर क्लिक करना ताकि जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आए आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना जरूर, यदि आप LDC की टाइपिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपकी अभी वर्तमान में कितनी स्पीड आ रही है हिंदी और इंग्लिश की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।